आज हम बात करेंगे श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी की, जो कि हमारे शहर के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्हें हम लगभग भूल ही चुके हैं। 9 सितंबर 1896 को जनरलगंज में रहने वाले एक दोसर वैश्य परिवार में जन्मे श्यामलाल जी एक पोएट और लिरिसिस्ट थे। अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन न करके उन्होंने टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाया और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक्टिव रहे। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो 3 बार जेल भी गए, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में फिर भी भाग लिया। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत को राष्ट्र का झंडा गीत माना गया और उसे हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक की फ्लैग होस्टिंग के दौरान गाया जाता है। सन 1969 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 10 अगस्त 1977 को 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के 20 साल बाद सन 1997 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उनके नाम का एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। इतिहास के पन्नों में लगभग खो चुके ऐसे और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां लेके आएंगे हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।